चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, इंक्रीजिंग अनोइंग हॉकिंग एंड एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग स्पीडिंग ऑफ बाइक्स इज आर अ साइन ऑफ ग्रोइंग टेंशन टू द कॉमन मैन। यहाँ पे हमारे पास इज आता है या आर आता है, इसमें अक्सर लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं यहाँ पे इज लगाऊं या यहाँ पे मैं आर लगाऊं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अभी मैं आप लोगों को अगर इस बाइक्स की मिसाल दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइक्स लिखा हुआ है, कुछ लोग बाइक्स को देख के यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर को सेलेक्ट करेंगे, इस को सेलेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पे इज नहीं आता। कुछ लोग ये करेंगे कि इस चीज़ में नाउन को निकाल के सब्जेक्ट को निकाल के, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक टाइम पे बताया था कि हमारे पास जो नाउन होता है वो हमारे पास या तो सब्जेक्ट होता है और या क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम इस वर्ब को ऑब्जेक्ट के ज़रिए तो सेलेक्ट नहीं करते कि ऑब्जेक्ट को देख के हम वर्ब सेलेक्ट करें, हम किस चीज़ को देख के वर्ब सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को देख के वर्ब को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नाउन जो होता है सेंटेंस में, या तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है या वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इस सेंटेंस का क्या बताऊंगा, इस सेंटेंस का मुकम्मल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। इसकी क्या बताऊंगा, आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मिस्टेक यही करते हैं कि 2 साल 3 साल 5 महीने 6 महीने 10 महीने ग्रामर को पढ़ते हैं, ग्रामर को सीखते हैं, लेकिन अक्सर उनका ध्यान पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नहीं जाता कि असल चीज़ हमारे पास क्या है, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन समझना, उसकी आइडेंटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ी देर पहले रहमान को मैंने होम के बारे में बताया कि ये नाउन नहीं एडवर्ब है, इसने बताया कि सर हम अगर चाहे इसको एडवर्ब बना सकते हैं। वैसे तो होम नाउन होता है, होम ना नाउन होता है ना एडवर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि हम नाउन का डेफिनेशन ही गलत सीखते हैं। उसको हम सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ पे होम का फंक्शन क्या है। अब ये चीज़ अगर होम नाउन है या एडवर्ब है वो हम देखेंगे, अगर नाउन है तो उसको नाउन की तरह ट्रीट होगा, तभी तो नाउन होगा ना। अगर वो नाउन की तरह ट्रीट नहीं हुआ है, एडवर्ब की तरह ट्रीट हुआ है सेंटेंस में, फिर तो एडवर्ब होगा। फिर आप होम को तो ये नहीं कह सकते कि सर ये तो नाउन है, ये एडवर्ब नहीं है। बात क्लियर हो गई ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। अच्छा, इस सेंटेंस से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ आती है हमारे पास, अगर हमारे पास जो वर्ब है वर्ब प्लस आईएनजी अगर आ जाए, वर्ब प्लस क्या आ जाए, वर्ब प्लस आईएनजी अगर आ जाए, अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल हुआ है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वर्ब आईएनजी अगर अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हुआ है सेंटेंस में, फिर आपके पास ये कंडीशन क्या होगा, ये कंटिन्यूस कंडीशन होगा। वर्ब प्लस आईएनजी अगर आया है सेंटेंस में, टेंस के मुताबिक आया है, तो आपके पास ये कौन सा कंडीशन होगा, कंटिन्यूस कंडीशन होगा। हमारे पास दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, यही वर्ब प्लस आईएनजी अगर आ जाए, अगर वो नाउन की तरह ट्रीट हुआ है सेंटेंस में, किस तरह, नाउन की तरह सेंटेंस में ट्रीट हुआ है, फिर क्या होगा भाई, उसको हम कहेंगे, वो कंडीशन हमारे पास क्या होगा, इसको हम वर्बियल नाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्बियल नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी आया है तो इसको हम वर्बियल नाउन भी कह सकते हैं। या सिंपल आप इसको कह सकते हो जेरेंड, क्या कह सकते हो, जेरेंड कह सकते हो। बात क्लियर हो गई।
थर्ड कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या है, अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, क्या आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया और ये ट्रीट हुआ है सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह, किस तरह, एडजेक्टिव की तरह, फिर इसको हम कहते हैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम कहते हैं अगर ये सेंटेंस में ट्रीट हुआ है किस तरह, एडजेक्टिव की तरह। अब मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर वर्ब प्लस आईएनजी ट्रीट हुआ है टेंस में, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी तो ये कंटिन्यूस है, किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग तो स्लीपिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, अकॉर्डिंग टू द टेंस है, यहाँ पे ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है भाई, कंटिन्यूस कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये भी तो वर्ब आईएनजी है ना, लेकिन ये सेंटेंस में नाउन की तरह ट्रीट हुआ है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, यहाँ पे स्मोकिंग नाउन है, क्लियर हो गई बात, और यहाँ पे स्लीपिंग हमारे पास क्या है, वर्ब है। अगर ये इस तरह आया है सेंटेंस में के फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ रनिंग बॉयज, अब बॉयज़ यहाँ पे क्या है, बॉयज़ यहाँ पे नाउन है, रनिंग बॉयज, अब यहाँ पे रनिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो मैंने आप लोगों को थ्री कंडीशंस बताए, कितने कंडीशंस, अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, अकॉर्डिंग टू द टेंस आ जाए तो आपके पास कंटिन्यूस कंडीशन, अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए और वो सेंटेंस में ट्रीट हुआ है नाउन की तरह तो उसको आप वर्बियल नाउन भी कह सकते हैं और जेरंड भी कह सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए और ये ट्रीट हुआ है एडजेक्टिव की तरह फिर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रनिंग बॉयज़ मैंने लिखा है चूँकि बॉयज़ हमारे पास नाउन है और रनिंग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं आप लोगों का इस सेंटेंस का मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, फिर हमारे पास क्या है, अनोइंग है, इंक्रीजिंग अनोइंग व्हाट, मैंने आप लोगों को पहले नाउन आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि जब सेंटेंस में क्वेश्चन हो जाए वर्ड से और वर्ड की रिप्लाई आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा सेंटेंस में या तो प्रोनाउन होगा। अब हॉकिंग जो है ये हमारे पास रिप्लाई है वर्ड की तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, ध्यान से। अब नाउन में जो चीज़ डिटेल ऐड करे वो हमारे पास क्या होता है, हाँ अब इस नाउन में डिटेल किस चीज़ ने ऐड की है, एनोइंग ने ऐड की है तो एनोइंग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब जो चीज़ इस एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करे वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। रहमान अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो चीज़ नाउन में डिटेल ऐड करे वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और जो चीज़ एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करे वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। एंड एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग स्पीडिंग। अब यहाँ पे स्पीडिंग हमारे पास क्या है, नाउन है, स्पीडिंग हमारे पास क्या है, अच्छा स्पीडिंग किस तरह स्पीडिंग है भाई, हॉरिफाइंग स्पीडिंग है, किस तरह, इज हॉरिफाइंग ने उस स्पीडिंग में क्या डिटेल क्या ऐड किया है, डिटेल ऐड किया है तो ये हॉरिफाइंग हमारे पास क्या हो गया। अब इस एक्सट्रीमली ने इस हॉरिफाइंग में डिटेल ऐड की है, जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करे वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपके पास कितने नाउन आ गए, एक तो आ गया भाई हॉकिंग, दूसरा आ गया स्पीडिंग, एक नाउन ये है, दो नाउन आ गए,
ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब थोड़ा आगे, अब यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ तो आपको पता है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद जो लेता है वो क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। चूंकि बाइक्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जाहिर सी बात है या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, चूंकि प्रोनाउन तो है नहीं, बाइक्स हमारे पास यहाँ क्या है, नाउन है। अब इज आर यहाँ पे दोनों क्या है, वर्ब है, इसमें हमने एक ही सेलेक्ट करना है, इज आएगा या आर आएगा वो आप लोग सोचते रहो, एंड में मैं बताऊंगा कि क्या आएगा और इसकी वजह क्या है। चलो फिर इज आर तो वर्ब है भाई, असाइन मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल, आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता, तो ये ए जो है यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल बाद जाहिर सी बात है नाउन ही होगा। अब साइन यहाँ पे क्या है, नाउन है, हाँ साइन एज अ वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आई हैव टू साइन, आई हैव टू साइन योर पेपर, मुझे ज़रूरी है आपके पेपर को साइन करना, आपके पेपर को साइन करना ज़रूरी है मुझे, आई हैव टू साइन योर पेपर, आई हैव टू साइन योर एप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पे साइन नाउन है, वहाँ पे साउन वर्ब है, वहाँ पे साइन वर्ब है, यहाँ पे साइन नाउन है। अच्छा साइन के बाद हमारे पास क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है, और ऑफ हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास क्या है, ग्रोइंग है, और क्या है, टेंशन है। एक कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था नाउन का यूं वाला ट्रिक कि आप नाउन को डायरेक्टली कैसे पहचानोगे, एक तो फॉर्मूला बताया था कि इसके जरिए मैंने आपको बताया था कि नाउन को पहचानोगे। अब टेंशन हमारे पास क्या है, टेंशन हमारे पास नाउन है, चूंकि इस ग्रोइंग ने डिटेल ऐड किया है किस चीज़ में, नाउन में, तो ग्रोइंग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। टू हमारे पास क्या है भाई, टू हमारे पास प्रेपोजिशन है, द हमारे पास आर्टिकल है। अब कॉमन मैन भाई, मैन, मैन हमारे पास क्या है, नाउन है, कैसा मैन, कॉमन मैन, इसने इस नाउन में डिटेल ऐड किया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अच्छा इस सेंटेंस में एक चीज रह गई, अब इस हॉन्किंग और स्पीडिंग को जोड़ने वाला कौन, कंजंक्शन, इन दोनों को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला कौन, कंजंक्शन। क्लियर हो गई बात, अब इस सेंटेंस का मुकम्मल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैंने आपको बताया, मैंने आपको रीजन भी बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता, अक्सर आप लोगों को टेस्ट में एग्जाम में ऐसे चीज दे देते हैं, ठीक है, कि उसमें सारा जो है इंक्रीजिंग, एनोइंग, हॉन्किंग, हॉरिफाइंग, स्पीडिंग, कैसे पता चलेगा कि भाई नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नहीं है। फर्ज के मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में आपको ये वाला सेंटेंस दे दे या इसी तरह कोई और सेंटेंस दे दे और आपको कहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सही है, हम टेंस के पीछे, वॉइस के पीछे, नरेशन के पीछे भागते हैं, असल चीज़ हमने छोड़ी होती है, वो कौन सी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाओगे ना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आप समझ जाओगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का एक मौका देता हूँ, जो भी किताब आप ले लो इंग्लिश की, उस किताब को आप ओपन करो, जो भी पेज ओपन हो जाए, जो भी पेज सामने आ जाए, उसमें एक सेंटेंस को नोट कर लो, और उस सेंटेंस को आप क्या करो, उस सेंटेंस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी आइडेंटिफिकेशन करो, एक महीना, दो महीने लगातार इस तरह प्रैक्टिस करो, आप मास्टर बन जाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की, आप प्रैक्टिस तो करें सही ना, ठीक है। चलो यहाँ पे अब इज आएगा या आर आएगा, क्या बोलते हो, इज आएगा आर आएगा, इज क्यों आएगा, नहीं एक तो हॉन्किंग है, दूसरा भी तो स्पीडिंग तो है ना, नहीं हमने तो वर्ब दोनों सब्जेक्ट, चलो फर्स्ट सब्जेक्ट हॉन्गिंग है, अगर मैं कहूं कि असलम एंड अकरम, असलम एंड अकरम, ठीक है, इज या आर, आर आएगा, क्योंकि ये एक तो ये है, एक तो ये है, अब यहां पे इज आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे इज आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो हॉन्किंग है, हॉर्न बजाना,
सही है, और स्पीडिंग है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही होते हैं, वन प्रोसेस है ना, ये दो प्रोसेस नहीं है, ये दोनों चीजें एक साथ ही होती है, वन प्रोसेस में होते हैं। यहां से स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, रेस दे रहा हूं, और यहां हॉर्न बजा रहा हूं, दोनों चीजें वन प्रोसेस में हो रही है नहीं। तो यहां पे मकसद इनका यह है कि भाई हॉकिंग जो है क्या चीज, हॉकिंग एंड स्पीडिंग जो है, हॉकिंग एंड स्पीडिंग जो है, ये दोनों हमारे पास क्या है, वन प्रोसेस है, क्या है, वन प्रोसेस है, इसलिए वर्ब यहां पे सिंगुलर लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। ठीक है, बात ठीक हो गई। ये था आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के जरिए हम कल करने वाले हैं फिर से वॉइस, क्योंकि वॉइस में एक टॉपिक आता है, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे लिखूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ ऑनेस्ट, इसको चेंज करो पैसे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है, नहीं है, ओके okay.